आज के दौर का ट्रेंड है बाहर जाकर खाना खाना या बाहर से खाना घर मंगवा लेना या पैक किया हुआ फूड घर मंगवाना या हम लोग किसी भी प्रकार का चीज खाने के लिए घर में लाते हैं, जैसे नमकीन हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप होटल खाने जाते हैं और आपको बढ़िया खाना नहीं मिलता, खाना पका हुआ नहीं था या खाने में बाल गिरा हुआ था। आप सिर्फ मन में सोचते हैं कि जाने दीजिए, इस होटल में रेस्टोरेंट पे दोबारा नहीं जाएंगे। या ज्यादा से ज्यादा आपके मन में कुछ आता है तो आप मैनेजर के पास जाते हैं और उसकी कंप्लेन कर देते हैं। उधर से मैनेजर का जवाब आता है कि बहुत सारे लोगों का खाना बनता है तो कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ का जो स्टाफ है या वहाँ का जो मैनेजर है वो अपनी गलती नहीं मानता है और उल्टा ही आप पर डांट पड़ता है। ले दे करके कह लीजिए कि आपको खाने से लेकर के कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, पैक किया फूड हो, नमकीन हो, दूध हो, बिस्किट हो, चाय हो, कुछ भी हो, इससे लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन करा सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करेंगे तभी जाकर के आप पूरी कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव बातें पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी आप कंप्लेन करने का मन बना रहे हो तो खाने का आप तस्वीर ले लीजिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। और जो आपको बिल मिलता है आप उसकी भी तस्वीर ले लीजिए, ये आपको एविडेंस के तौर पर वहां पर अपलोड करना होगा। ये सब एविडेंस आप अपलोड करेंगे तभी जाकर के स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फूड रिलेटेड कंप्लेन करने के लिए आपको फोस्कोस के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड कंज्यूमर ग्रीवांस, देन आप इसके कंज्यूमर ग्रीवांस के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड विद फूड रिलेटेड ग्रीवांस, देन नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। इसमें कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, देन इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे, अपना एज पर आधार नाम यहाँ पे डाल लेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे, पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट यहाँ पर बन गया होगा, पॉपअप मैसेज भी आप देख चुके होंगे। सिंपली नीचे में आप देख सकते हैं लॉग इन का बटन, क्लिक कीजिएगा, देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड जो भी सेट किया था यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, देन साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फूड सेफ्टी कनेक्ट के डैशबोर्ड पर आप डायरेक्ट हो जाएंगे। न्यू कंप्लेंट रेज करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, देन आपको फूड का कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले में पैकेट फूड कोई खरीदता है, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, दूध का पैकेट। दूसरे में आप देख सकते हैं फूड कैटरिंग प्रीमिसेस, यानी कि कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, उसके लिए ऑनलाइन ई कॉमर्स, यानी कि आप ऑनलाइन फूड मंगाते हैं जैसे स्विगी, जोमेटो। दूसरा में कोई भी आप खाने का सामान लेते हैं किराने दुकान से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटेलर प्रीमिसेस। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कंप्लेंट किस में आता है, मैं कोई एक रेंडम सेलेक्ट करके आपको कंप्लेन करने के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट का फूड कैटरिंग। सब कैटेगरी में जैसे कि रेस्टोरेंट था, कैंटीन था, कैफे था, ढाबा था, होटल था, फूड इंट्रक था, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग होटल में खा रहे थे तो होटल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कंप्लेन ए डिटेल। इसका मतलब है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप जिस भी खाने का कंप्लेन करने वाले हैं उसका फोटो बना लीजिए, उसका वीडियो बना लीजिए और उसका बिल वगैरह सब भी आप यहाँ पर रख लीजिए। उसी चीज को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं PDF, JPG, PNG, MP4 वीडियो हो, AVI हो, ये सब आपको प्रूफ के तौर पर यहाँ पर अपलोड करना होगा। और जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खाने का जो फोटो है आप उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक, और उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, खराब समोसा का पिक। देन आप देख सकते हैं आउटलेट नेम, यानी कि होटल का नाम क्या है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसका फसाई लाइसेंस का नंबर मालूम है क्योंकि बोर्ड में ही लिख दिया जाता है, या अंदर आप घुसेंगे तो फसाई लाइसेंस नंबर रजिस्ट्रेशन सारा कुछ का बोर्ड मारा हुआ है। फोटो आपने खींची हुई है तो उसका नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, कोई भी बात नहीं है। बिल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, आउटलेट कहाँ पर है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है पिन कोड के साथ, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन कंसर्न के ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पर आपको कोई रीजन देना होगा, जो आपको उस होटल में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि प्रीमिसेस इज नॉट क्लीन, यानी कि होटल साफ नहीं था, रोटेन फूड और वेज के जगह पर नॉन वेज दे दिया जाता है, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आता है तो नीचे में आप अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, अदर्स में आप अपना रीजन दे दी। उसके बाद होटल का पिन कोड
आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कंप्लेंट आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि आपके साथ में एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ क्या है, स्टाफ मिसबिहेवियर या खाने में कोई प्रॉब्लम है, बाल गिर गया था, खाना कच्चा था, पका हुआ नहीं था, यानी कि होटल का शिकायत हो गया, अब कंज्यूमर डिटेल यानी कि करने वाला कौन है यहाँ पर। तो सबसे पहले इस पर आधार कार्ड आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी आपके पास में है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, एड्रेस आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा, स्टेट का सिलेक्शन कीजिएगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, अपना पिन कोड आप यहाँ पर दीजिएगा, फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही गूगल मैप खोल करके आ जाएगा, एक्चुअल लोकेशन होटल का कहाँ पर है आपको मैप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लोकेशन सेलेक्ट करते ही आपका कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, टोकन नंबर जनरेट होकर के आपको मिल जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टोकन नंबर को आपको फोटो क्लिक करके बढ़िया से रख लेना है। जो भी आप कंप्लेंट किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा, व्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी कंप्लेंट किया था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कब किया था, टोकन नंबर क्या है, कौन से डेट में रजिस्टर किया था और किसके खिलाफ आपने किया था। जिसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार से यदि आपको खाने से लेकर के कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो या किसी भी प्रकार का कोई पैक किया हुआ फूड हो या कोई भी फूड हो, उसकी शिकायत आप ऑनलाइन फोस्कस के पोर्टल पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं।